मॉर्निंग टू एवरीवन एंड आज है मंडे और आज है वैलेंटाइन डे भी, तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन टू। और काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मेरे ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अनवेल चल रही हूँ और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, तो अभी आज आएगा। तो मैंने सोचा आज छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। और ये काव्य रेडी हो गई, मैं उसको बोली ड्रेस दिखाओ। काव्य ने नई ड्रेस पहनी है और उसके डैडी का फास्ट था, तो ये अभी मंदिर से होके आई है डैडी के साथ। और सबने न्यू पहले मैंने भी मीशो से मंगाया था, 3 समथिंग का था, कपड़े दिख रहे थे और ये 3 समथिंग ये मैंने मीशो से मंगाया। अच्छा है ना, ये पहले था 350 का, फिर जब मैंने बुक कर दिया उसके बाद रेट कम है और मुझे 30 रुपीज़ का भी डिस्काउंट मिला, तो ये मेरे को 250 रुपये का पड़ा कुर्ता। अच्छा है ना, महंगा वाला मैंने वापस कर दिया, फिर दूसरे डीलर से मैंने मंगाया और मम्मी के लिए भी मंगाया था, मम्मी भी पहनेंगी, दिखाऊंगी, सबके लिए मैंने मंगाए थे कपड़े। नाश्ता कर रही थी, दिखाती हूँ। आज घर में सभी का फास्ता बताऊंगी, किस चीज़ का फास्ता, मखाने और ये मूंगफली खा रही हूँ। मम्मी ने गाजर का हलवा भी बनाया था और चाय देखो मम्मी कितना सारा दे देती है। और ये वाली ड्रेस मैंने मम्मा के लिए मंगाई थी, मम्मी के लिए मंगाई थी और दुपट्टा मम्मी ने मेरे सूट का ओढ़ा है, जो कि ये सिर्फ मतलब वो था प्लाजो और कुर्ता सेट, दुपट्टा अभी लाना है तो एम्ब्रॉयडरी वाला था, मम्मी को पसंद आया था तो मम्मी ने मैंने मंगा दिया मम्मी के लिए। चलो अब 9:30 होने वाले हैं, तुम कहाँ पे आ जाओ बेटा, अम्मा जा रही है, अम्मा के साथ नहीं जाना, स्कूल का टाइम हो गया है। हेलो, कितने बज रहे हैं? 4 बजने वाले हैं। और आपको ऐसी एक फनी चीज़ बता रही हूँ, आज हम सब ने, मम्मी ने बोला शिवरात्रि है और सब ने फास्ट रखा और आज शिवरात्रि नहीं है। मैंने अपनी भाभी से बात की तो पता चला शिवरात्रि नहीं, आज प्रदोष का पर्व। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मेरे को क्यों रखवाया जो शिवरात्रि नहीं है, तो मैंने बहुत इंसिस्ट करके रखवाया वो रखते नहीं व्रत, ये पोपट हो गया। और मेरा ट्राइपॉड अभी तक नहीं आया, ट्राइपॉड आया तो मैं वीडियो शूट करूँ अच्छे से। और कॉपरेट करिएगा प्लीज, देखो वर्किंग वूमेंस का, देखो मैं अपने ऑफिस का काम ही कर रही थी और वर्किंग लोगों का इस तरह का ही होता है। मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया, आप सभी मेरी तरह जॉब करना चाहते होंगे तो मैं थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चन अब मेरे चैनल में थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है थोड़ा अवेयरनेस कंटेंट लाऊं जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो मेरा जो वर्क स्ट्रक्चर है, मतलब जो मेरा काम करने का प्रोफाइल है, मैं डेली किचन में जाके अगर मैं कुकिंग करूँगी और मैं कुकिंग का वीडियो शूट करूँगी तो मेरा ऑफिस हैम्पर होगा काफ़ी ज़्यादा। और अभी मुझे यूट्यूब से तो कुछ पे नहीं मिल रहा है, सैलरी तो आ रही है मेरे टाइम पर, इंक्रीमेंट भी हो रहा है और बहुत कूल दी अभी वर्क हो रहा है। 1 ईयर से तो बहुत मिली, मैं अपनी बेटी का ऑनलाइन क्लास भी ले देती दो, तो बहुत मैं आज से कर रही हूँ ना, तो हिल से तो बच्चे के क्लास भी ले लेती हूँ। बट अभी वर्क फ्रॉम होम बंद होने वाला है क्योंकि स्कूल सारे खुल गए, कॉलेज सारे खुल गए, नर्सरी के भी स्कूल खुल गए, तब ऑफिस खुलेगा तो शायद मैं जॉब छोड़ दूँगी, शायद है बट नॉट श्योर, देखते हैं क्या करती हूँ। मेरा प्रोफाइल थोड़ा ऐसे ही रहेगा और मैं हमेशा खाली तो नहीं बैठती, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ मोटिवेशन आपके लिए मिलना चाहिए। बहुत सारी जॉब मार्केट में ऐसी जो घर से आप कर सकते हैं और सैलरी भी टाइम पे आ रही है, तो मैं चाहती थी ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। आप भी जॉब करना चाहते होंगे तो आपके लिए भी वर्क फ्रूटफुल हो, ऐसा नहीं होता कि एजुकेशन होती है सब चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में नॉन एजुकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती जॉब के लिए, बट सैलरी कम होती है। तो वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हो तो कंपनी का काफ़ी पैसा बचता है, बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, आपका कन्वेंस, उनका ऑफिस का रेंट। तो अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर चलने ही वाला है मार्केट में, बहुत अच्छा चलेगा, तो मेरे को कुछ आइडियाज़ हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट बिलो और आएँगे। और आज देखो पोपट हो गया हम लोग, शाम हो गई है, मेरे लिए गिफ्ट आया है और मैं सो रही थी। थैंक यू, क्या क्या लाया मेरे लिए? कॉफी मग, थैंक यू। और ये काव्य लेके चली गई मेरा टेडी, मम्मी का। ओह थैंक यू, मम्मी का बर्थडे है। परफ्यूम लड़ाई होगी हमारी। ओके, ग्रोसरी का सामान, ब्रेड भी आया है क्या मेरे लिए? बस मैं अपने
अपने हस्बैंड को बोल दी मुझे राशन भी दे देते ना गिफ्ट में, कप डियो ये सब राशन में आते हैं। ये क्या ग्रोसरी का चावल दाल आटा भी लिया था मेरे लिए। कितनी नाराज हो गई, मेरे को टैडी मिल गया, मेरे को एक परफ्यूम मिला है विदाउट रोज चॉकलेट एंड कप। गुलाब का फूल रह गया मेरा, और ये सारे गिफ्ट अब काबिल ले जाएंगी। तो ये था हमारा वैलेंटाइन डे एक्सचेंज, इसके बदले गिफ्ट कुछ नहीं मिलने वाला। काबे देखो नाराज हो गई है, और मेरे का गिफ्ट जब भी आता है वो काबे बहुत नाराज हो गई है। मैंने उसे सारे गिफ्ट जैसे उसकी डैडी ने मुझे दिए मैंने उसको दे दिए, और उस खुश हुई कुछ उसको जब गिफ्ट दिए वो सारे गिफ्ट लेके बड़ी खुश हुई। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा ब्लॉग, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और क्योंकि आज वैलेंटाइन था और बाय मिस्टेक हमने फास्ट रखा था, तो आज हमने फास्ट वाला ही खाना खाया था, और मेरा ट्राइपॉड भी आ गया था। और मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।